नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। नवरात्रि का बहुत ही पावन समय चल रहा है और आज अष्टमी का दिन है, तो आज हमारे घर में कुंवारी को बिठाई जाएंगी, खिलाया जाएगा खीर उन्हें। तो सुबह का टाइम था ये बिल्कुल, और अम्मा ने पहले ही मेरे को कह दिया है कि आ जाना नहा धो के, खाना ना बनाना है तो उनके यहाँ जाना है। मुझे आज घर पे खाना नहीं बनेगा तो जाना क्या है, बगल में ही तो है घर, मतलब बस कमरा अलग है और सब कुछ हमारा साथ ही होता है। तो आज पूजा पाठ का दिन है तो यहाँ पे आस्था के पापा के लिए मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज उन्हें काम पे जाना है। तो अम्मा के ही घर पे बनेगा और यहाँ की सफाई कर दूँ, पूरे घर को स्वच्छ कर दूँ, साफ़ सुथरा कर दूँ, उसके बाद ही नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही मैं जाऊँगी अम्मा के यहाँ। और अम्मा यानी कि मेरी सासू माँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर मैंने आंगन की तरफ तो झाड़ू लगा दिया था, लेकिन मैं अब आ गई हूँ किचन की तरफ। तो यहाँ पे लकड़ियाँ रख रखे, इन सभी को अभी थोड़ा सहेज के रखना है, लेकिन अभी नहीं था टाइम। एक दिन फुर्सत में इन सभी को सही करूँगी, सही सही जगह पर सबको रखूँगी, लकड़ियाँ यहाँ नहीं रखी रहेंगी, अच्छा नहीं लग रहा है। और तो अभी तो सिर्फ झाड़ू पोछा करके ही चली जाऊँगी। चूल्हे से राख भी निकालनी अभी बाकी थी, रात में जो राख थी वो नहीं निकाली है, अभी सुबह के टाइम ही राख निकालूँगी। आज थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कल के टाइटल के बारे में, कि हमेशा मुझे कहा जाता है कि मैं बेशरम हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं कुछ गलत भी जो मैं कर रही हूँ वो मेरी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं सही है और मेरे नज़रिए में कहीं ना कहीं वो सही है, तो मैं क्यों शर्माऊँ, मुझे क्यों शर्म आए। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी सोचे, बस अपनी फैमिली की नज़र में और अपनी नज़र में आपको सही होना चाहिए। यहाँ पे आ गई थी नहा देने के बाद आ गई थी, और यहाँ पे अम्मा पूजा पाठ के लिए कौरियाँ बना रही हैं। कौरियाँ कहा जाता है प्रसाद को जो भोग चढ़ाते हैं, वो उसे कौरियाँ कहते हैं यहाँ पे। तो कौरियाँ बना रही है, बिल्कुल शुद्ध घी के उसमें बना रही हैं, पूड़ियाँ बना रही हैं, और खीर जो कुंवारियों के लिए बना के रखा है उसी को और इन दोनों को मिक्स करके, और थोड़ा सा खोआ है, तो वो ये सब प्रसाद के रूप में हो जाएगा जो कि भगवान जी को भोग लगेगा। तो उस चीज़ के लिए अम्मा बना रही हैं, क्योंकि अम्मा ही कुंवारियाँ खिला रही हैं इसके कारण। और मैं यहाँ पे घर में बनने वाले सब्जी और पूड़ी की तैयारी कर रही थी, तो सब्जी बना रही थी। सब्जी यहाँ पे बैंगन की ही बन रही है, लेकिन मैंने बोला था कि आलू उबाल के सब्जी टमाटर की बनाते हैं, आलू टमाटर की, लेकिन अम्मा ने कहा नहीं पापा को यही खाना है, तो मैंने कहा ठीक है यही बना देते हैं। तो भट्टा की सब्जी हमारे घर में बन रही है। तो आप सभी ये मत सोचिएगा कि हम जो सब्जी बना रहे हैं वो कुंवारियों के लिए बना रहे हैं, नहीं, उनके लिए खीर है और खोए का लड्डू है, तो कुंवारियों के लिए वो बन रहा है, और ये घर के लिए पूड़ी सब्जी मैं बना रही हूँ और अम्मा कुंवारियों के लिए सारा खाना बना रही हैं। तो यहाँ अम्मा और मैं आपस में बातचीत भी करते जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अम्मा पहले हंस रही थी, तो वहाँ कुछ बातचीत हो रही थी हम दोनों के बीच में, तो बातें करते करते काम कर रहे थे दोनों। तो दोस्तों अम्मा का घर पूरा ही पक्का है, जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में बेदी बैठी हैं, और पूरा ही घर पक्का है, और हमारे ही घर की तरह एक आगे कमरा है और एक पीछे है। तो वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है आगे वाला कमरा, और इस साइड जहाँ मैं अभी खाना बनाऊँगी वो पीछे वाला कमरा है। तो अभी मैं गैस पे खाना बनाऊंगी, तो गैस वाला जो कमरा है वो पीछे ही है, बस दो कमरे इनके हैं, और इन कमरों के ऊपर भी दो कमरे हैं, यानी कि दो दो मंजिला के बने हुए हैं। तो कल का टाइटल मैंने आज क्यों बताया, मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि ना कल मैं वीडियो एडिटिंग करते समय भूल गई थी, लेकिन जो शर्म वाली बात थी वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। तो अम्मा अष्टमी की पूजा कर रही थी, इसके लिए अम्मा को बनानी थी घर परिवार के लिए पूड़ी सब्जी, और खुद बना रही थी अम्मा कुंवारियाँ। तो उन्होंने बोला कि पूड़ी सब्जी तुम बना लो नंदिनी, हाँ नहा धो के। तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं पे अपने ही घर पे बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, पापा बोले हैं कि घर पे बनाओ, और यहाँ पे जहाँ मतलब जहाँ अम्मा अभी बैठी हैं, मतलब अम्मा के घर पे। तो अम्मा बोली कि नहीं यहीं पे बनाने को बोला है, तो मैं डर डर के आ तो गई हूँ, लगता है कि ऐसा ना हो कि कभी बातें सुना दें इस चक्कर में। तो
तो आ गई हूँ यहाँ पे। ये अम्मा की रसोई है, इसी में चक्की है जो पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैं और अम्मा चक्की चला रहे थे, तो यहीं चक्की रखी है, आपको दिखाऊंगी अभी आगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और जो बैंगन आलू काटे थे वो फ्राई कर लेंगे पहले, थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उसके बाद मसाला फ्राई करेंगे। तो अम्मा के घर में बहुत ही ज़्यादा सुकून सा लगता है, अच्छा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारी देखा वाली अम्मा की निगरानी में होती है, आपको कुछ टेंशन नहीं है इस यहाँ पे, इसलिए मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है कि चलो यहाँ पे मुझे कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि जब मैं अपने घर में होती हूँ ना, तो यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये रखना है, ये करना है, ये करना है, ये सब ध्यान बना रहता है, तो वहाँ पे सुकून नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अम्मा इस एज में भी बहुत ज़्यादा मेरे से फुर्तीली है, मेरे से इतने काम नहीं होंगे जितने उनसे हो जाएंगे, साड़ी पहने में तो मेरे से और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि या तो साड़ी संभलवा लो या तो काम करवा लो, मेरे साथ ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन अम्मा अभी भी बहुत ज़्यादा काम कर लेती है, मेरे को समझ में भी नहीं आता कि अम्मा इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेती हैं सारा कुछ। तो यहाँ पे जब तक मैं पूरी सब्जी ही बना रही थी, उतनी देर में अम्मा ने सारा ही काम निपटा लिया था। तो यहाँ पे अम्मा ने सारी जो वो थी कौरियाँ निकाल ली हैं, प्रसाद उन्होंने भोग तैयार कर लिया है, नारियल देखिए जैसे कि रखा है थाली में, तो अम्मा ने तो यहाँ पे कर लिया। अब अम्मा चली जाएंगी कुंवारियों को बुलाने, और मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लगी हूँ। और अम्मा ने आटा जो गूंथा था आज पूड़ी के लिए, वो बहुत ही ढील ढीला सा हो गया है, गीला हो गया, जिसके कारण ईजिली नहीं बिल पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही गीला हो गया था, मेरे से नहीं बिल पा रहा था, ऊपर से अम्मा का ये जो बेलन था ना, इस कारण से और नहीं बिल पा रहा था, क्योंकि मेरे पास जो बेलन है वो छोटा सा बेलन है, पतला सा है, तो वो हल्का सा है, इस कारण से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। और ये देखिए एक पूड़ी भी मैंने दोबारा मिटा रही थी, क्योंकि वो सही से नहीं बन पा रही थी, और यहाँ पर धूप भी लग रहा था, और इसके कारण ये जो चादर है लगा रखा है, और ये बार बार उड़ के इस तरह पा रहा था, इसलिए मैंने बाल्टी वहाँ लगा दी कि ये उड़ के इधर ना आए। तो पूड़ी मैं सेकने लगी हूँ, चूल्हा भी जो है जल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से जल रहा था। तो ऐसा हो जाता है कि जब आपको एक चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, उसके बाद आपको दूसरी जगह खाना आना ऐसे बनाओ तो दिक्कत होने लगती है। चाहे पहले बेशक आपने यहाँ पे काम वाम किया होगा, सब कुछ संभालते आप ही रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल सा लगता है यहाँ पे। तो कुंवारियाँ आ गई हैं, लेकिन कुंवारियाँ भी बहुत बिजी हैं, क्योंकि हर किसी के घर में कुंवारियाँ खिलाई जा रही हैं। तो आधी कुंवारियाँ नहीं आई थी, कुछ ही आई थी, तो अम्मा ने बोला जो आती जा रही हैं उन्हें खिला देते हैं, और उसके बाद जो आगे आएंगी उन्हें भी खिला देंगे। तो अम्मा खिला रही हैं, आस्था भी पानी यानी दे रही है, सेवा पानी में लगी हुई है आस्था, और हमने आस्था को बोला खा लो, तो आस्था कह रही है नहीं, आज हमारे घर में कुंवारियाँ खिलाई जा रही है, तो मैं भी पानी यानी दूंगी। बन गई सब्जी, तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी अपने घर, क्योंकि आस्था के पापा चले गए हैं काम पे, तो मुझे दुकान देखना था, इसके कारण मैं यहाँ पे आ गई हूँ। वैसे वहाँ का पूरा काम समेट गया था, उसके बाद ही आई थी, लेकिन ये भी जरूरी था कि दुकान भी देखना था। आस्था के पापा जा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ही इन दिनों जो है ना दुकान में लोगों का सामान की दिक्कत हो रही थी, तो इसके कारण मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और मैं दुकान भी संभाल लूँगी, और साथ ही साथ ये कमरा गंदा था, तो मैंने सोचा साथ के साथ इसे भी सफाई कर लूँ, अगर कोई आएगा तो मैं जाके सामान दे दूँगी। तो यही करने लगी थी, इस कमरे को साफ करने लगी थी। इस कमरे में हम जो है खाना पीना खाते हैं और आराम करते हैं इसी कमरे में, तो थोड़ा सा अंधेरा है इस कमरे में, एक तो इस कारण भी इस कमरे में वीडियो कम शूट करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कैसा रोशनी अजीब सा आ रहा है, और वीडियो ढंग का शूट नहीं हो पाता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, अंधेरा है थोड़ा सा। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी नवरात्रि की।
तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।